शकुनी कितने छोटे वस्त्र हैं आपके? ये वस्त्र मनुष्य के लिए बनाए गए, किसी सांड के लिए नहीं। क्या कहा? महाराज आज के दिन हमारे ये वस्त्र पहन लीजिए। वैसे भी वस्त्र से मनुष्य छोटा बड़ा थोड़ी ना होता है। छोड़ेंगे नहीं हम उसे, हमारे ही राजभवन में घुसकर हमें ही नग्न करके भगा दिया। ना 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 ना, महाराज धृतराष्ट्र तो यही बाहर राजकुमारों के साथ लुका छिपी खेल रहे होंगे। लुका छिपी खेल रहे हैं, परंतु हमारे साथ, और जहां कहीं भी छिपे हैं हम उन्हें पकड़ लेंगे। महाराज उन्हें छोड़िए और अपने वस्त्रों को संभालिए, वरना कहीं आपको छुपना ना पड़े। महाराज रुकिए, हम आपके जाने का प्रबंध करते हैं। वाओ, ये इतना सुंदर सिंहासन किसकी है? सुंदर है ना? हाँ, हमने बनवाया है महाराज धृतराष्ट्र के लिए। हाउ स्वीट, आप इतने अच्छे हैं। क्या मैं छू सकती हूँ? छुओ ना प्राण प्रिय, छुओ। क्या मैं इस पे बैठ सकती हूँ प्लीज? अवश्य, किंतु किंतु संभाल के। प्राण प्रिय महाराज, अरे कोई जल लेके आओ महाराज। सावधान! जैसा कि आप सबको ज्ञात है, आज महाराज कार्तिक पूर्णिमा के विशेष स्नान के अवसर पर स्नान गृह से अचानक अदृश्य हो गए। नहीं महाराज, हमें ऐसे कैसे छोड़ के चले गए? अब कौन बनेगा नया महाराज? शांत महाराज, यमलोक नहीं गए हैं, केवल खो गए हैं। हम स्नान गृह की सौगंध लेते हैं, धरती यांबर के किसी भी कोने से महाराज को ढूंढ लेंगे, चाहे उसके लिए रक्की नदियां बहानी पड़े। स्नान गृह में फिर से जल पाएगा, हम महाराज का स्नान पूर्ण करा के लेंगे। क्या आप लोग मर मिटने के लिए तैयार? क्या आप लोग मर मिटने के लिए तैयार है? कैसा उत्साह! छोड़ो मुझे, छोड़ो। सुनो सुंदरी, हम तुम्हें ऐसी यातना देंगे कि तुम बोलोगी ही नहीं, गाना भी आरंभ कर दोगी। उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे सामने सब कुछ ऐसे ही गा देगी। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो। उदासी कहाँ चली गई? धृतराष्ट्र भी दृश्य हो गए। अरे ये हो क्या रहा है? अरे हमारा मुंह क्या देख रहे हो? ढूंढो उन्हें। अरे महारानी। हाँ भ्राता शकुनी, बताइए क्या बताने वाले थे? महारानी, घबराने की कोई बात नहीं है। इसमें घबराने वाली क्या बात है, ये तो कौवे की ध्वनि है। महारानी वास्तव में ये जो बोल है वो तोते की है। आप चिंता ना करें, हम इसे बोलना सिखा देंगे। महारानी समाचार ये है कि महाराज धृतराष्ट्र का सर्वप्रिय मुर्गा बड़ी विलंब से जागा। ये महारानी आपको हर पक्षी की ध्वनि सुनाई दे रही है, परंतु महाराज धृतराष्ट्र की ध्वनि सुनाई दी नहीं। महाराज की लुका छुपी की गणना समाप्त हो गई होगी। महारानी तो अब आप भी गणना आरंभ कर दे।
क्योंकि महाराज धृतराष्ट्र हस्तिनापुर में है ही नहीं। है? हाँ। महाराज घूमने चले गए और हमसे पूछा तक नहीं। घूमने नहीं गए महारानी, महाराज अदृश्य हो गए। अर्थात? अर्थात महारानी, महाराज धृतराष्ट्र को एक रहस्यमय सिंहासन ने अपहरण कर लिया। हाँ, प्राणप्रिय ने अपनी आंखों से देखा। प्राणप्रिय, क्या ये सत्य है? हाँ महारानी, हमने अपनी आंखों से देखा है। नहीं! महाराज, 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 महाराज। आश्चर्य, क्या हो रहा है ये सब? कुछ क्षणों के लिए राजभवन से क्या गए, छुट्टी ले ली सबने। सेनापति, कौन हो तुम? राजभवन में महाराज धृतराष्ट्र क्या घुसे? सब के सब महाराज धृतराष्ट्र हो गए, दिखाई नहीं देता। हम हैं सूर्यगढ़ के राजा महाराज सूर्यभान। दिखाई तो महाराज जैसे ही दे रहे हैं, किंतु हम कैसे मान ले? बुद्धिहीन, मूर्ख, गर्दभ, उल्लू के पुत्र हैं आप। अरे वाह, तुम तो सुनाई भी महाराज जैसे दे रहे हो। सारी को पकड़ लो। अरे मूर्खो, हमें नहीं, इस बेरुपिये को। जय! हम शीघ्र ही सत्य का पता लगा लेंगे। महारानी तुलसी, पार्वती, कुमकुम, कमलिका, क्या आप इन्हें पहचानती हैं? ये स्वयं को महाराज सूर्यभान बता रहे हैं। बता क्या रहे हैं, हम ही हैं सूर्यगढ़ के राजा महाराज सूर्यभान। हम नहीं पहचानते। महारानियों, स्मरण कीजिए, हम ही हैं जिसके लिए आप लोग व्रत रखती हैं, पूजा अर्चना करती हैं। हम जब तक भोजन न कर लें, आप लोग भोजन का एक निवाला नहीं लेती। हम ही हैं सुनैना और प्रताप के पूज्य पिता श्री, आपके प्रिय प्राणनाथ सूर्यभान। सूर्या, सुरु, सू, हमारे पास एक ईडिया है। अब सत्यदेव ही तुम्हारे सत्य और असत्य का निर्णय करेंगे। सैनिकों, इसे मूर्ति के पास ले चलो। सेनापति, 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 हम आपको छोड़ेंगे नहीं। जब हम ही तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तो तुम कैसे हमें नहीं छोड़ोगे? सेनापति, हमारी धोती उतारी है, दाहिने तरफ वही वाला तिल है। हम धोती नहीं, प्राण उतारते हैं। सेनापति, हम ही सूर्यभान है, हम ही धृतराष्ट्र हैं। सेनापति, आपको क्या लगता है? चुप, दो रुपये
तुमने हमारे प्रिय अति प्रिय महाराज के शब्दों का उपयोग करने का दुस्साहस कैसे किया? दिखे भी नहीं। सेनापति सेनापति सत्यदेव रक्षा। हो अति हो ये धूर्त सारथी संजय यहाँ क्या कर रहा है? सैनिकों पकड़ लो इसे। चुप अति चुप। क्या हो रहा है यहाँ? राजकुमारी जी, ये भैरूपिया स्वयं को महाराज सूर्यभान बता रहा है। सत्य जानने के लिए हम इसे सत्यदेव की मूर्ति के पास लाए। हे सत्यदेव, अब आप इस संशय दूर कीजिए और बताइए कि ये व्यक्ति जो पाछे खिलाए खड़ा है, ये हमारा महाराज है या कोई कपटी भैरूपिया? ये व्यक्ति मगरमच्छ से भी मक्कार, लोमड़ी से भी लंपट और सर्प से भी अधिक विषैला है। वो सब तो ठीक है, परंतु सत्यदेव इन्हें बताइए कि हम हैं या हम नहीं हैं? ऐसे नहीं। पहले मुर्गा बनो। सत्यदेव, अगर हम मुर्गा बन गए तो हम कैसे बता पाएंगे कि हम हैं? और इन्हें विश्वास नहीं होगा कि हम हैं, बल्कि ये तो यही मान लेंगे कि हम नहीं हैं, जबकि हम हैं। हम चुपचाप मुर्गा बनो। बनो मुर्गा। बन गए। अब मुर्गे की भांति कूदो और मुर्गे की ध्वनि निकालो। अब एक अंडा दो। सत्यदेव, हम अंडा कैसे दे सकते हैं? इससे साफ साफ पता चलता है कि तुम नहीं हो, एक बहरूपिया हो। नहीं अति नहीं।